नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। मॉनसून सत्र का तीसरा दिन आज, राष्ट्रीय सुरक्षा पर संजय राउत ने दिया नोटिस। केरल सोना तस्करी मामले में अदालत का स्वप्ना सुरेश को एनआईए हिरासत में सौंपने से इनकार। गुजरात 2002 दंगों के दोषी गिरफ्तार, पैरोल खत्म होने के बाद से था फरार। अगले साल जनवरी में रिहा हो सकती है शशिकला, पर भरना होगा 10 करोड़ का जुर्माना। बिहार के दरभंगा के एम्स के निर्माण को मंजूरी, 1264 करोड़ रुपए की आएगी लागत। वायुयान विधेयक संसद से पारित, नियम तोड़ने पर अब जुर्माना 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़। राज्यसभा में सत्र का दूसरा दिन, बेरोजगारों को 15,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता देने की उठी मांग। लोकसभा में आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल व सांसदों का वेतन कटौती बिल पास। पूर्व नौसेना अधिकारी मारपीट मामला, 6 शिवसेना कार्यकर्ता फिर से गिरफ्तार किए गए। आदिवासियों के संक्रमित होने पर SC ST गंभीर, ओडिशा सरकार से मांगी रिपोर्ट। रिफाइनरियों से निकलने वाला खतरनाक कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने का निर्देश। DCGI ने दी ऑक्सफोर्ड के COVID-19 टीके का परीक्षण दोबारा शुरू करने की अनुमति। बेंगलुरु में ड्रग्स मामले में CCB ने पूर्व मंत्री के बेटे आदित्य अलवा के बंगले पर मारा छापा। क्लोन ट्रेन 21 सितंबर से ट्रैक पर उतरेगी, 19 से टिकट बुकिंग, 10 दिन से पहले लेना होगा आरक्षण। मुल्तानी हत्याकांड में पंजाब के पूर्व DGP को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर रोक। शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए हो रहा सोशल मीडिया का इस्तेमाल। सुदर्शन TV मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संस्कृति को नहीं समझकर देश का अनादर कर रहे हैं TV चैनल। सरकार ने पहले सफल ASET परीक्षण पर जारी किया डाक टिकट। कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख की बीमे की अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ी। इसरो ने कहा अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी के लिए बनाए जा रहे हैं नियम। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत LSE को तार्किक मानता है लेकिन चीन नहीं। हरदीप पुरी ने कहा कि भारत के पास दुनिया के बेहतर हवाई सुरक्षा संकेतक। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सबूतों से हो सकती है छेड़छाड़। करण जौहर की पार्टी में ड्रग्स इस्तेमाल करने का आरोप, मनजिंदर सिंह सिरसा ने की NCB से शिकायत। दिल्ली में 5 महीने बाद खुले जिम, वही युवाओं में दिखी खुशी।